हेलो। मोनी के बर्थडे के लिए हाँ भैया, रूम डेकोरेट करने वाला बुलाया है। यहाँ से एक नंबर का हो जाएगा डेकोरेट। कुछ और भी टॉपिंग है सर? यही है मैम आपका फोन। हो चुका और मोनी को नहीं पता, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी उसका एक्सप्रेशन लेते हैं, लेके आता हूँ उसको। टाइम हो चुका है 11:45, 15 मिनट के बाद देखते हैं। मेरा केक भी कट गया है एंड हैप्पी बर्थडे टू मी। और गिफ्ट भी मिल गया है मेरे को यश की तरफ से। इस रूम आप देख ही सकते हो कितना अच्छा डेकोरेट किया है मिस्टर वान ने। बहुत अच्छा लगा मेरे को। हमारा फैन कैसे चलेगा एक बार ऑन करके देखना यश क्या करता है। फट 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 करता है, मतलब हटेंगे नहीं है बलून्स। फट जाएंगे बस। तो तो गाइस अभी हैप्पी बर्थडे बना के दिखाती हूँ तुम्हें मैं अपना घर बनाने से। वेट देखना अभी हैप्पी बर्थडे बनेगा मेरा, ये तुम देखते जाओ। यश को गिर ना जाए। शेट ये नहीं चलेगा आज। जगह है ना दे पा रहे। तो बड़े गर्ल आप सबके सामने प्रस्तुत, मतलब हैप्पी बर्थडे। तो गाइज मैं अपने चैनल पे अपना स्वागत करती हूँ, मतलब बड़े गर्ल का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। सुसु स्वागतम। और मैं अब दिखाने जा रही हूँ आपको जो मेरे को यश ने गिफ्ट दिया है मिस्टर मान ने, यानी कि मेरे हस्बैंड ने। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको क्या दिया है। तो गाइज आई गॉट दिस MK की वॉच और छोटी सी क्लिप शायद बनाई थी ना आपने यश वहाँ पे। हाँ तो बना रखी है यश ने, मैं वो भी डाल दूँगी इसमें जब यश मेरे को दिलवा के लाए थे। एंड मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यश मेरे लिए ये प्लान कर रहे हैं। बल्कि यश ने मेरे को कब पूछा था, शायद हफ्ते पहले, कि क्या तेरे को मतलब वो कौन सी वॉच, एप्पल की वॉच पसंद है किसकी। मैं कहा नहीं आ रहा, MK की वॉच पसंद है। मुझे ये नहीं पता था कि किस वजह से पूछ रहे हैं। एंड मुझे यश इसमें वो नहीं थी ना, चार्जिंग नहीं थी। इसमें चार्जिंग नहीं थी। हाँ, चार्ज करना पड़ेगा। हाँ तो ये देखो ये री कितनी मस्त लग रही है ना यार, मुझे इसका लुक बहुत पसंद है। और एक नंबर की लग रही है। और अभी यश का फोन आया, मैं बात करती हूँ। अच्छा कर दिया, देखो यश ने आकर सफाई भी कर दिया। अभी चलाती हूँ फैन। तो गाइस कितनी मस्त लग रही है ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको पहनने के लिए। और मैं अभी इसको चार्जिंग पे लगा दूंगी। और क्या मिला था? हाँ गैस का परफ्यूम। रुको मैं खोल के दिखा। गाइस दिस वन आई गॉट
बहुत मस्त फ्रेगरेंस है इसकी सच में। ये इसके साथ इसका मिस्ट आया है और परफ्यूम। ये बर्थडे का जो प्लान है, मैं और यश जा रहे हैं कानपुर, क्योंकि मोहित का कल है, परसों है एग्ज़ाम, मतलब आज है 19, मतलब 12 बज गए हैं शायद, 12:30 कुछ का टाइम है, तो आज 19 है, मोहित का है कल एग्ज़ाम 20 को सुबह, तो मैं और यश उसका एग्ज़ाम करवाने जाएंगे। और तो बस पूरा बर्थडे कल मेरा गाड़ी में ही जाएगा, क्योंकि 8-9 घंटे 10-1 घंटे तो हमें पहुँचने में लग ही जाएंगे। और बस ठीक है, यही था थोड़ा बहुत जो सेलिब्रेशन किया था। और बर्थडे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है यार, मेरा भाई मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी। मुझे अपने बर्थडे का भी मतलब इतना, मुझे हमेशा अपने बर्थडे की इतनी एक्साइटमेंट रहती है, मैं महीने महीने पहले अपनी ड्रेसेस वगैरह सब कुछ सेलेक्ट करके रख लेती हूँ कि मैं उस दिन ये पहनूंगी सुबह को शाम को ये। बट दिस टाइम जब मेरे भाई का एग्ज़ाम है तो मुझे उसकी ज़्यादा टेंशन है, मेरी नहीं है। मुझे अपने बर्थडे का कुछ वो भी नहीं था। मैंने यश को पहली मतलब यश ने मेरे को बोला कि यार बहुत गलत टाइम पे है, मैं कहा यार लेट इट बी, ठीक है कि भाई तेरा बर्थडे है, सेलिब्रेट भी नहीं कर पाएंगे ये वो। यश को मतलब बहुत वैसा लगा, बट एट द सेम टाइम यश को, यश भी बहुत कंसर्न है मतलब मेरे भाई को लेके, कि नहीं उसका बर्थडे है, मोनी बर्थडे भाई ना, उसका एग्ज़ाम है मोनी बर्थडे, तो हर साल आते रहेंगे और उसका एग्ज़ाम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम उस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे। तो सुबह हमें निकलना है यहाँ से 5-6 बजे के आसपास, और तब कहीं जाके हम 6-7 बजे तक वहाँ पे पहुँच पाएंगे, अगर रुक रुक के चलेंगे भी, क्योंकि वहाँ पे जाके फिर यश को भी आराम करना है और मोहित की भी नींद पूरी होनी चाहिए, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है। और दूसरी बात, नेक्स्ट डे मतलब 20 को 7:30 बजे उसका पेपर है, तो उस हिसाब से रेस्ट भी चाहिए हम दोनों को भी, मोहित को भी, और इस वजह से हम सुबह निकलेंगे। तो अभी मिलती हूँ मैं आपको सुबह उठ के, और अभी बस सोते हैं, क्योंकि हमारे पास है सिर्फ 4-5 घंटे सोने के लिए, उसमें मैंने अभी तक कुछ पैकिंग भी नहीं करी है, मैंने पैकिंग करनी है अभी, 1.5-2 घंटा लगेगा मुझे पैकिंग में, इतने यश लेट लेंगे, आराम कर लेंगे, मैं पैकिंग करती हूँ, और बस यही है, सुबह मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और उठ गई हूँ मैं, 6 बज गए हैं, मतलब 5:30 से उठी हुई हूँ, और यश अभी सो रहे हैं क्योंकि उनको गाड़ी चलानी है, तो मैं कहा 10-15 मिनट और सो लेंगे, यश कह रहे 10-15 मिनट की नींद और लेने दे। फिर उसके बाद कपड़े मैंने निकाल रखे हैं, अब उनको रखना है बैग में, और सब कुछ रेडी है, फिर निकलेंगे। मैं सोच रही हूँ मैं नहा लूँ, ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है, और नीचे गीजर चला के आ गई हूँ, बस अब कपड़े रहते हैं उनको रखूँगी। गाइस निकल रहे हैं और मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने पहना अपना सिंपल ये पजामा और टी शर्ट, और ये मेरी न्यू वॉच, और बस ये कंफर्टेबल सी मेरी स्लीपर। यश सामान जो है नीचे लेके जा चुके हैं, बस ये थोड़ा बहुत रहता है ये मैं ले जाती हूँ, बस यही है, निकलते हैं, बाय बाय। तो गाइस मैं और यश निकल गए हैं मोहित को लेने, पहले हम लेंगे मोहित को, फिर उसके बाद जाएंगे कानपुर, 7-7.5 घंटे का कुछ रास्ता है, जाते जाते मेरे ख्याल से बीच में रुकेंगे भी 1-2 बार, तो 8-9-10 घंटे हो ही जाएंगे, और बस अब जा रहे हैं मोहित को लेने, फूफा आ जाएंगे उसको छोड़ने, ठीक है बाय। और गाइस आज मैं बार बार तुम्हें ऐसे ही करते हुए या ऐसे करते हुए दिखूं, क्योंकि इस हाथ में मैंने वॉच पहनी है। यस, इस मोहित आ गया है, मतलब आए तो उसको 1.5 घंटा हो गया, पर हम बातचीत कर रहे थे, तो मोहित ये रहा, मोहित की तरफ से सभी को नमस्कार, हाय, हेलो, और मोहित को बेस्ट ऑफ लक विश करना सब, कि उसका एग्ज़ाम है, बाकी जब तक आप लोग बेस्ट ऑफ लक विश करोगे तब तक इसका एग्ज़ाम हो चुका होगा। तो ठीक है, मिलते हैं रास्ते में, जो भी इंटरेस्टिंग हुआ वो आपको दिखाते रहेंगे। दिया है यश के लिए कॉफ़ी लेने, और क्योंकि यश को आ रही थी नींद, सोया हुई नहीं पूरी रात, हाँ
मैं भी 4 ही घंटे सोई, मैं तो सो जाऊंगी पर यश का थोड़ा, मैं तो बीच में 10-10 मिनट की नैप। गाइस 1 घंटा रहता है हमारी डेस्टिनेशन में और बहुत गर्मी थी, 4:15 हो गए हैं, मतलब 3:38 हो गए हैं और जो आगे वाला टायर है ना उसकी हवा सारी खत्म हो गई है। तो पीछे यश और मोहित देख रहे हैं कुछ जो भी होता है इनका स्टेप नहीं जो भी बोलते हैं, तो अभी ठीक करके और फिर निकलेंगे। यश कह रहे हैं एकदम से लास्ट में ही पता लगा, पहले पता लगता तो शायद, पर हाईवे ही था यहाँ पे भी आसपास गांव ही है, आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ ऐसे होंगे स्टेशन वगैरह जहाँ पे हम हवा डलवा सके। तो अभी कर रहे हैं पीछे ट्राई दोनों। तो गाइज अब ये दोनों कर रहे हैं टायर चेंज, यश गए थे इसमें हवा भरवा के लाए हैं और अब चेंज करेंगे। टाइम हो गया है 4:24, अभी तक हमें पहुंच जाना चाहिए था ना, अभी तक हमें पहुंच जाना चाहिए था ना। गाइस हम लोग आ गए हैं रूम में एंड यश का यहाँ पे चल रहा है मैच और ये रूम मिला हमें। हम इससे पहले 2 होटल में और गए थे देखने बट ये वाला थोड़ा क्लीन था तो सही था। एंड यहाँ पे मेरा अलग से जो है नीचे मैट्रेस लगेगा और बस अब खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अभी खाना ऑर्डर किया है, खाना आ रहा होगा, मोहित वॉशरूम में है। तो यस गाइस फिर मिलती हूँ आपको। तभी हम कर रहे हैं डिनर, ये है चाइनीज़ और ये है इंडियन। मोहित रोटी खाएगा, थोड़े से स्टार्टर ले रहा है और अभी कर लेते हैं डिनर। तभी तक मैच चल ही रहा है इन दोनों का और आई पैर टिक गए जमीन पे और मेरा लग गया यहाँ पे बेड, मैं सोऊंगी इस पे और बस आज का यही दिन था, करती हूँ ब्लॉग का एंड और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टू मी और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ा दो गाइज। जो है क्या 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 बोलती हूँ मैं भूल भी गई। हाँ अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो गाइज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय।